हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस स्टूडेंट्स दिस इज मी सोनट्रिया मैं आपकी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूं आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए राइट right? एंड जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ ठीक है Oh, this is very thin. We'll have to write it here. Hmm. History by Son Ma'am Test book. ठीक है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है बच्चों यहाँ पे अपने जितने भी लाइव लेक्चर्स होते हैं उन सबका लिंक मैं पोस्ट कर देती हूँ और साथ ही साथ में कोई रिकॉर्डेड सेशन है जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कल मैंने आपके पास में एक लिंक पोस्ट किया था कि जो मेन्स आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव हमने शुरू किया है जहाँ पर हम अगले फिफ्टी डेज़ में डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं रोज उनका एक क्वेश्चन लिखेंगे है ना आपको टाइमर के साथ में टाइम दिया गया है टेन मिनट्स का और फिर आपको मॉडल आंसर भी बताया जाएगा और मैंने कहा था जो स्टार्टिंग के फाइव आंसर्स होंगे टेलीग्राम चैनल पे मैं उनको रिव्यू करके आपको बताऊंगी कि आप कैसा लिख रहे हैं क्या इंप्रूव कर सकते हैं एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा राइट सो यू ज्वाइन दिस इसके अलावा यूपीएससी से या टेस्ट बुक की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है आपका एग्जाम रिलेटेड मैं यहाँ आपको अपडेट कर दूंगी hmm? बच्चों अपने संग्राम बैच के रिविजन इनिशिएटिव के अंदर आज हम तुगलक्स और लोदीज जो हैं उनको रिवाइज करेंगे 15-20 मिनट्स के अंदर एंड देन वी विल बी सॉल्विंग सम टू 15 क्वेश्चंस, ओके okay? कल हमने देखा था खिलजी डायनेस्टी जो है उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के जो कैंपेन्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था राइट right? अच्छा मुझे बताइए खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे जिनको आखिरकार मार करके तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई क्विकली ठीक है so, सो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके टाइम पे आपका दिल्ली सल्तनत इतना फैला हुआ था एंड उसने साउथ तक रेड भी की थी मलिक काफूर ने कुसरो खान है ना खुसरो खान यस सो बच्चों यहां पे तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई है गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था ये खिलजीज के टाइम पे आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है वहां का गवर्नर था दीपलपुर करके एक जगह है ठीक है पंजाब में पड़ती है आपके सो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे दीपलपुर जो है वहां पे ये गवर्नर था एंड ही इज इस नोन इसमें बहुत सारे जो मंगोल के अटैक्स हैं उनको रिपल्स किया था सो ये भी अपने मिलिट्री पावर जो है उसके लिए जाना जाता था गियासुद्दीन तुगलक जो है वो गद्दी संभालता है एंड जो आपका खिलजी डायनेस्टी है उसके आगे भी वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके टाइम पे क्या होता है कि बंगाल के अंदर एक रिबेलियन हो जाता है ठीक है बंगाल के अंदर एक रिबेलियन हो जाता है जो बहुत ही कॉमन था उन दिनों स्पेशली आपका सिंध है मुल्तान है गुजरात है बंगाल है सो so जो एक्सटीरियर एरियाज थे इनके अंदर रिवोल्ट होते रहते थे क्योंकि देखो बहुत डिफिकल्ट है दिल्ली में बैठ करके है ना दिल्ली में आप बैठ करके इन एरियाज को कंट्रोल करो फॉर्मली बहुत डिफिकल्ट है सो so खिलजीज के टाइम पे भी हमें इन एरियाज के अंदर कोई ना कोई रिवोल्ट या विद्रोह देखने को मिलता रहता था सो so ऐसा ही एक विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था एंड गियासुद्दीन तुगलक जो है उसको सप्रेस करने के लिए वहां गया था सक्सेसफुल रहा वो बंगाल के सप्रेशन को दबाने में है ना बंगाल के सॉरी इस रिवोल्ट को रिबेलियन को दबाने में ही व सक्सेसफुल जब ये भाई साहब लौट करके वापस आ रहे थे तो अचानक इनकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट के अंदर बेसिकली इनका जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जिसे उलूग खान के नाम से एंड जूना खान के नाम से भी जाना जाता था उसने एक पापा के विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था बहुत ही जल्दबाजी में एक स्टेज जो है उसे इरेक्ट किया गया था एंड उसके ऊपर बंगाल की आर्मी को हरा करके जो एलिफेंट्स ये लोग लेके आए थे उनको पैरेड करवाया जा रहा था वो जो वुडन स्टेज था वो कॉलेप्स हो गया और घासुद्दीन तुगलक की भी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई बच्चों इसके टाइम पे है ना ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उन्हें डेकेन कैंपेंस के लिए भेजा गया था एंड ही वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो ही वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो अगेंस्ट आपका देवगिरी या जो दौलताबाद है या फिर आपका वारंगल है इनके खिलाफ ही वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो अब आगे अगर हम देखें इसको ठीक है विल सी आगे क्या होता है सो so, मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट रूलर बन गया है इसका पीरियड तुगलक डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है दिस इज रिविजन सीरीज अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आप उन क्लासेस को देख लेना प्ले में जाके ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक जो है बच्चों वो नेक्स्ट तुगलक डायनेस्टी के सक्सेसर बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वो रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के जो काफ़ी अच्छी लिटरेरी नॉलेज रखते थे बहुत अच्छी रिलीजियस नॉलेज रखते थे बहुत अच्छी फ़िलासफ़िकल नॉलेज रखते थे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत मेच्योर रूलर हैं बहुत रिलीजियसली टॉलरेंट हैं एंड अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद बिन तुगलक भी बहुत क्लियर था कि स्टेट को जो रूल करना है वो किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं करना उलेमास जो हैं है ना उनके डिक्टेट्स पे नहीं करना स्टेट को रूल करना है लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेट जो है उसके वेलफेयर के लिए जो अच्छा है वही वो करेगा सो वेरी ब्रॉड माइंडेड ऑल्सो बच्चों इसका जो पीरियड है इसके कैंपेन्स के अलावा जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक मैप दिखा रही थी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ये देखना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपकी जो दिल्ली सल्तनत है वो डीप साउथ तक पहुंच गई है इसने न केवल देवगिरी के ऊपर सॉरी देवगिरी के ऊपर डायरेक्टली अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया दौलताबाद जो आगे चल के औरंगाबाद बना आपका जो वारंगल के अंदर काकातिया रूलर था प्रताप रुद्रदेव उसको भी इसने हराया एंड साथ ही साथ में इसने मदुरई जो है उसके रूलर को भी हरा के ये पूरा एरिया जो है अपने एम्पायर में शामिल कर लिया मिला लिया सो so, आप यहाँ पे देख रहे हो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है उसका मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ एंड उसका एम्पायर का अगर आप एक्सपेंशन देखो एंड एक्सटेंट देखो विस्तार देखो तो वो सबसे ज्यादा यहीं पे आपको मिलेगा अब आप देखो है ना नॉर्थ से लेकर के साउथ तक मदुरई आपके वेस्ट में सिंध वगैरह से लेके बंगाल तक इसका कंप्लीट रूल है सो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे पहुंच गई थी बट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही दिल्ली सल्तनत जो है उसका डिक्लाइन या पतन भी होना शुरू हो गया इतना सबको समझ में आया अभी तक तो हमने नॉर्मली क्या देखा है खिलजी डायनेस्टी है है ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सब कुछ बहुत सही है ले, लेकिन उसके जो सक्सेसर्स हुए वर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट एंड उसके बाद में उन्हीं का एक मिलिट्री गवर्नर गयासुद्दीन तुगलक या गाज़ी मलिक जो है वो तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रख चुका है गाजी मलिक जो है वो अपने मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है एंड उसने अपने टाइम पे बंगाल जो है उसे अपने कंट्रोल में लिया नॉट ओनली बंगाल उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उस टाइम पे डेकन वगैरह में गवर्नर था उसने देवगिरी वारंगल इन सब एरियाज़ को भी एम्पायर के अंदर मिलाया मोहम्मद बिन तुगलक जब खुद रूलर बन रहा है तो हम देख रहे हैं वो डायरेक्टली इन एरियाज को अपनी टेरिटरीज में मिला रहा है और मदुरई तक पहुंच चुका है यानी दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे है लेकिन फिर मैंने कहा दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन या पतन भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही शुरू होता है बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारे नोवल एक्सपेरिमेंट्स करता है कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स करता है बट प्रॉब्लम क्या थी इसके जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसको ये ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडियाज़ हैं, आप उन आइडियाज़ को अगर ग्राउंड लेवल पे सही से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो ही आपका जो सक्सेस है वो आपको मिलेगा आप खुद देखिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज है अगर बट अगर आप मेन्स के पेपर में उसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर क्वेश्चन की डिमांड्स के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट्स रखते हुए अच्छे से नहीं लिख पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा यू मे बी हैविंग द नॉलेज आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए हाँ अनुज मल्टीपल टाइम्स अटैक होते रहते थे ना वहाँ से जब अटैक शुरू हुए उसके बाद में ये मल्टीपल टाइम्स अटैक्स जो हैं वो होते रहते थे सो so, अगर हम यहाँ पे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो फेल हो गए और इनके बारे में हमें नॉलेज कहां से मिलता है तो बच्चों इनके बारे में जो जो नॉलेज है हमको जो आपके हिस्टोरियन है जियाउद्दीन बर्नी वहां से मिलता है बर्नी ने किताब लिखी मैंने आपको बताई थी कल बताइए कौन सी थी हिस्टोरियन बर्नी जो है जिन्होंने किताब लिखी है जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स का भी जिक्र है मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक के टाइम का जिक्र है आपके फिरोज शाह तुगलक के टाइम का जिक्र है बताइए इनकी कौन सी फेमस बुक है तारीख के फिरोज शाही वेरी गुड ठीक है तारीख फिरोज शाही इसके अलावा बच्चों घियासुदीन तुगलक के पीरियड में हमें अमीर खुसरो की बुक मिलती है तुगलकनामा जो हमें घियासुद्दीन तुगलक के पीरियड के बारे में बताती है बर्नी है इबन बतूता ये जो मोरक्कन ट्रेवलर आया मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया ये एज अ गेस्ट और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चाइना भेजा एज द एम्बेसडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सो so, इबन बतूता जो है वो हमें कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन देता है सिटीज के बारे में ट्रेड के बारे में इकोनॉमी के बारे में पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में सोशल कंडीशंस के बारे में सो so, ये कुछ हमारे रिसोर्स हैं ट्रेवलर्स के हिस्टोरियंस के जो क्रॉनिकल्स हैं वो हमें मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड की नॉलेज देते हैं बच्चों मैंने आपको इसको बता दिया कि एक्सटेंशन इसने है ना इसने अपने फादर के टाइम पे भी आपका जो वारंगल है मदुरई है इनको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद में भी इसने आपके कर्नाटका के अंदर जो काम्पीली एक छोटा सा किंगडम था इन सब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था अब मैं आपको यहाँ पे इसके वन बाय वन रिफॉर्म्स के बारे में बताती हूँ इसने क्या किया थर्टीन के अंदर डिसीजन लिया कि मैं अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करूंगा ऐसा क्यों क्योंकि उसने कहा अगर मैं अपने कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर पाता हूं तो मैं सदर्न अभी, अभी नए है ना डायरेक्टली तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में आए हैं यहाँ पे जो रिबेलियन है यहाँ पे जो विद्रोह है उसको कंट्रोल कर पाऊंगा तो इसने क्या किया अपना जो कोर्ट है उन सबको बोला कोर्टियर्स को कि हम सबको वहाँ जाना है सारे रिकॉर्ड्स वगैरह लेके और उलेमास को भी फोर्स किया जो आपके रिलीजियस पर्सन हैं एंड कॉमन मैन को भी बोला कि अगर आप आना चाहते हो तो चलो दिल्ली से सब लोग दोलताबा शिफ्ट करते हैं कैपिटल को बच्चों ये एक मेजर फेलियर रहा एंड दो तीन साल के बाद में इसने फिर से अपनी कैपिटल को दिल्ली मूव किया यानी लोगों को एक तो बहुत हार्डशिप हुई है आप पूरा सामान यहां से यहाँ ले जाके जा रहे हैं है ना रास्ता बहुत लंबा था इतने अच्छे हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं थे संचार और परिवहन के इतने अच्छे साधन हमारे पास नहीं थे दो मोहम्मद बिन तुगलक ने सराय वगैरह रोड्स वगैरह ये सब बनवाई थी ताकि ईजी हो जाए लेकिन इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट एंड फिर जब लोग यहाँ सेटल होने लगे तो ही सेठ चलो वापस चलते हैं बट इससे एक फायदा हुआ नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है वो साउथ इंडिया में परमानेंटली एक तरीके से पहुंच गया बहुत सारे लोग जो उसके साथ गए थे वो यहीं पे सेटल हो गए और वापस नहीं आए सो so, एक तरीके से नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा इसके वजह से अदरवाइज दिस वॉज अ कंप्लीट फेल्योर दूसरा ये डिसाइड करता है इसके बाद टोकन करेंसी का एक एक्सपेरिमेंट एक उन दिनों क्या हो रहा था दुनिया भन, भर में चांदी की बहुत कमी थी चीन का जो रूलर है कुबलाई खान उसने भी क्या किया था उसने अपने जो हैं, सिल्वर के, उनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया था जो आपके सस्ते मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया है ना ब्रॉन्ज हो गया उनसे कहने का मतलब है टोकन करेंसी का मतलब कि जैसे अगर आपको एक सिल्वर के सिक्के से जितना सामान मिल रहा है उतना ही हम आपको एक ब्रांज के कॉइन से भी दे देंगे ऐसा कुछ है ठीक है ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कि एक सिल्वर का कॉइन आपके पास था आप उसको ले जाके दे रहे थे और आपको उसके बदले में कोई सामान मिल रहा था हम सिल्वर का इक्वलेंट आपको ब्रांज वैल्यू बता देंगे अगर आप इतने ब्रांज के कॉइन्स दोगे तो आपको उतना ही सामान मिल जाएगा तो सिल्वर की जगह पे ब्रांज की करेंसी आप यूज करो जैसे हम पेपर की करेंसी यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर का वो ठप्पा ना हो है ना मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं सो so हमारी पेपर करेंसी क्या है एक तरीके से टोकन करेंसी है वैसे ही इसने क्या कहा कहा इसने, का? इसने का? सिल्वर की बहुत कमी है सिल्वर प्रेशियस मेटल है तो हम एक काम करते हैं सिल्वर के कॉइन्स को ना मिंट करके हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांज या जो आपके ब्रांज है उसके कॉइन्स को मिंट करते हैं और जितना आदमी सिल्वर में खरीद पा रहा था वो अब ब्रॉन्च में खरीद पाएगा यानी ब्रॉन्च अब उसके लिए एक टोकन मनी हो गया बट यहां पे क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम नहीं थी एक्सपेरिमेंट के अंदर इट तो वॉज अ गुड स्टेप प्रॉब्लम क्या हुआ जो कॉइन्स की फॉर्जरी हो रही थी लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए अब देखो एक होता है कि इतना चांदी है उसके जगह पे आप इतना ही ब्रॉन्ज के कॉइन्स को मिंट कर रहे हो तब तो सबको सही है बट अगर फेक करेंसी लोग बनाना शुरू कर दे ब्रॉन्च की क्योंकि ब्रांच तो इजीली अवेलेबल है हर जगह पे अगर ब्रांच की इज आपने कॉइन्स मिंट करवाने शुरू कर दिए कॉइन्स की बहुत ज्यादा फॉर्जरी होने लगी तो अब आपके सामने प्रॉब्लम हो गई लोगों ने उस ब्रांच के कॉइन को एक्सेप्ट करना मना कर दिया जैसे आपको पता होगा वो जो टेन रुपीज़ के नए कॉइन आए थे जब तो लोग उसमें विश्वास ही नहीं करते थे रिक्शा वाले से लेके सब लोग कोई उसको खरीदता कोई भी उसको सॉरी लेता नहीं था याद है जब नए टेन रुपीज के कॉइन्स आए थे तो जो आपके रिक्शा वाले हैं सब्जी वाले हैं कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता था है ना तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हुआ कि भाई ये जो ब्रांच के कॉइन है इनमें से बहुत सारे कॉइन फेक हैं तो पता नहीं कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है मैं तो इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा और जब आपके करेंसी को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या करोगे मजबूरी में उसने कहा ठीक है आप सब लोगों के पास जिस जिसके पास में ब्रांज का कॉइन है वापस कर दो और बदले में इक्वेलेंट जो सिल्वर कॉइन से वो ले लो अब यहाँ पे बहुत सारे नकली सिक्के भी पहुंच गए तो हिस्टोरियन बर्नी लिखता है फिरोज सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का जो रॉयल पैलेस है उसके बाहर बाहर एकदम ढेर बना हुआ था इन ब्रॉन्ज के कॉइन्स का यानी ये एक्सपेरिमेंट भी एक फेल फेलियर रहा और इसका रीजन क्या था फॉर्ज कॉइंस

आप जो टैक्स लोगे वो वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस लोगे, फिफ्टी परसेंट तो आप कहोगे कि मैम कौन सी बड़ी बात है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी दुआब रीजन जो खालीशा लैंड था वहां से जो रेंट ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस होता था एग्रीकल्चरल लैंड रेवेन्यू तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया प्रॉब्लम ये हुई इसने ये तो कहा कि दुआब वाले रीजन से हम लोग जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस होगा बट गड़बड़ ये हो गई कि इसने जो वैल्यू लोगों को कैलकुलेट करके दी वो लैंड मेजरमेंट पे नहीं थी आर्बिटेरली फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना हमें कैश में पे करना है आप अगर समझदार होते तो आप लैंड को मेजर करवाते हैं है ना आप लैंड को मेजर करवाते हैं आप मार्केट में प्राइस पता करते हैं और फिर आप किसान को कहते हैं कि आपका लैंड इतना है आपको हमें 50% परसेंट ऑफ़ द प्रोड्यूस जो है वो देना है क्योंकि आपका इतना एवरेज प्रोडक्शन होता है तो आप इसका 50% इतना दोगे मार्केट में इतना प्राइस चल रहा है मल्टीप्लाई कर दो और इतना हमको दे दो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ मान लो हंड्रेड के प्रोड्यूस हो रहा है है ना तो आपके आपको मुझे फिफ्टी के देना है फिफ्टी के का मान लो दो चल रहा है तो आप सौ रुपए दोगे बट यहां पे क्या किया गया ना तो लैंड को मेजर किया गया ठीक से ना ही लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उत्पादकता है उसको देखा गया आर्बिट्रली फिक्स कर दिया गया कि हाँ यहाँ तो डेढ़ सौ के जी होता होगा आप ना पिचहत्तर दे देना हमको और फिर प्राइस में भी गड़बड़ कर दी मार्केट में दो रुपए मार्केट में दो रुपए भी नहीं मिल रहे थे इन्होंने दो रुपए फिक्स कर दिए मार्केट में मानो एक ही रुपया था तो जिस किसान को आप कह रहे हो कि सेवेंटी फाइव के जी देना है ना आप सेवेंटी फाइव के जी देना और दो रुपए के हिसाब से देना तो उसको तो वन फिफ्टी रुपीज देने पड़ रहे हैं बट असल में तो उसके हंड्रेड के जी ही प्रोड्यूस हो रहा था फिफ्टी टू जन्ड्रेड उसको तो हंड्रेड रुपीज ही देना था तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा दूसरी एक और बात उसी टाइम पे इसकी बदकिस्मती देखो गंगा यमुना द्वाब वाले रीजन में उस साल ड्राउट आ गया सूखा पड़ गया लोग टैक्स जमा नहीं कर पाए बहुत सारे लोगों ने रिबेलियन कर दिया बहुत सारे किसान अपने गांव को खेतों को छोड़ के जाने लगे कहते कि क्या ही बच रहा है इसमें हम क्यों काम करें यहां पे सो so, उसका ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया समझ में आया इतना हाँ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ठीक है ठीके? सो समझ में आया आपको सो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखो तो उसका सब कुछ फेल होता जा रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फेल्ड सेकेंड एक्सपेरिमेंट फेल्ड थर्ड एक्सपेरिमेंट फेल्ड बट फिर उसको थोड़ी अक्कल आई उसको लगा कि यार मुझे ना कुछ एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने होंगे तब जाके शायद लोग जो हैं वो शांत हो जाएंगे अपने आप अब फिर इन भाई साहब ने आपके एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को खोला फिर इसने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को खोला दीवाने आमिर ए ठीक दीवाने आमिर ए को, ही। को ही एक, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो को उसको खोला और यहां पे एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जो आमिर ए ही कहते थे उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम होता था एक लैंड जो है अंडर कल्टीवेशन उसको एक्सटेंड करना यानी जिन एरियाज़ में अभी खेती नहीं होती वहाँ पे भी खेती को इंट्रोड्यूस किया जाए और दूसरा जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जो किसान हैं उन्हें बहुत ही आ, कम दाम पे है ना बहुत ही कम दाम पे अच्छे बहुत ही कम दाम पे तो नहीं बोलूँगी लोन बोलूँगी है ना कि लोन्स के ऊपर आप किसानों को क्या दे दें सीड्स दे दें दे, बीज दे दें कैटल दे दें दे, ताकि वो अपनी ज़मीन पे अच्छे से काम कर पाए सो so, दीवाने आमिर कोही का दो काम होता था एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करना जिन एरियाज में हो रहा है वहाँ पे उसको और बेटर करना है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है कैसे करेंगे आप लोन दीजिए एग्रीकल्चरल लोन के लिए जो टर्म यूज़ होता था वो था टकावी लोन टकावी लोन मतलब एग्रीकल्चर लोन जिनको सोन्धर भी बोलते थे सोन्धर लोन तो सोधर लोन क्या है एग्रीकल्चरल लोन से तो कहा कि आप लोन दो इनको अच्छे सीड्स खरीदेंगे कैटल्स वगैरह खरीदेंगे तो काम करने दो इनको ये दो उसको पर्पज दिए गए और एक जिन एरियाज में अभी भी नहीं है एग्रीकल्चर वहां पर आप एक्सटेंड कीजिए सो दिस ही मेड अ रिफॉर्म एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ही स्टार्टेड इसके अलावा बच्चों अगर आप यहाँ पे बात करें तो फिर इन भाई साहब के मन में इच्छा जागी कि मुझे अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करना है नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी और इसने कहा खोरासन खोरासन में कौन कौन सा एरिया आता है तो आपके ईरान का ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया तुर्कमेनिस्तान का एरिया उज्बेकिस्तान का है ना ताजिकिस्तान का एंड आपके अफगानिस्तान का एरिया सो so, मेजरली आपका अफगानिस्तान ईरान और आपके सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान वाला हिस्सा तो उसने कहा कि मुझे इस एरिया तक अपने रूल को पहुंचाना है ईरान का जो रूलर है पर्शियन रूलर उसने कहा हाँ ठीक है मैं आपको हेल्प करूंगा बातों में आके मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़ी आर्मी जो है उसे रिक्रूट करना शुरू कर दिया सो ही रेज अ वेरी लार्ज आर्मी खुरासन एक्सपेडिशन के लिए बट फिर कंडीशन ऐसी हुई कि पर्शियन रूलर ने कहा नहीं आई विल नॉट सपोर्ट यू वेन द कंडीशन बिकेम अनफेवरेबल उसको अपना ये जो खुरासन एक्सपीडिशन है इसको भी गिवअप करना पड़ा अब क्या था इसने जिन लोगों को रिक्रूट किया था उनको दो दो साल की सैलरी भी दे दी थी एडवांस में और फिर जब इन्होंने उसको डिसबेंड किया कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है हम लोग नहीं जा रहे खुरासन के लिए तो बहुत सारे लोग जो है उससे नाराज हो गए उनका तो जॉब चले गया ना अब इससे भी शांति नहीं मिली तो लास्ट था कराचल एक्सपीडिशन बच्चों कराचिल जो किंगडम है वो बेसिकली आपका जो कुल्लू कांगड़ा वाला एरिया है हिमाचल के अंदर वो वाला जो एरिया है उसको कराचिल किंगडम कहते थे यहाँ पे चाइनीज जो है जैसे अभी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं वैसे ही चाइनीज जो है वो टिब्बिन एरिया से यहाँ पे अटैक्स लॉन्च करते रहते थे सो मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि मैं इस एरिया को हमेशा हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में ही ले, ले लेता हूँ So, यहां पे उसने एक एक्सपीडिशन भेजा उसकी आर्मी सक्सेसफुल थी इन्वेडर्स जो है उसको पुश कर दिया गया बट ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी आर्मी जो है वो बिल्कुल हॉस्टाइल लैंड के अंदर पहुंच गई बहुत कम लोग जिंदा लौट पाए आधे लोग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से ही मर गए ठीक है सो आप देख रहे हो वो एक पे एक है ना चौका मारे जा रहा है मोस्ट ऑफ दर अ फेलियर एंड मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर जो इतना बड़ा था लास्ट टाइम में आपको देखने को मिलेगा जगह जगह पे रिबैलियन होने लगे विद्रोह होने लगे आपके सिंध में मुल्तान में गुजरात के अंदर है ना बंगाल के अंदर हर जगह रिवोल्ट हो रहे थे इनफैक्ट आपके सदर्न इंडिया में इसी टाइम पे मदुरई जो है वहाँ पर हसन खान खान के नाम के एक आदमी ने हसन खान नाम के एक आदमी ने मदुरई में मुस्लिम सल्तनत जो है उसको एस्टेब्लिश किया और खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया 1336 में आपका विजयनगर भी आ जाता है विजयनगर साम्राज्य जो है वहां पे हरिहर फर्स्ट एंड बुका फर्स्ट दो भाई उसको एस्टेब्लिश करते हैं विजयनगर के नॉर्थ के अंदर इस वाले रीजन में आपका बहमनी सल्तनत मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो बहमनी किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं 1347 में तो आप देख रहे हो एम्पायर जो है वो डिस होने लगा है सदर्न इंडिया में नए नए आपके किंगडम्स आ रहे हैं बहमनी किंगडम विजयनगर किंगडम आपका मदुरई का किंगडम और साथ साथ में नॉर्थ में भी हर जगह पे रिबेलियन हो रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की दिक्कत ये थी किसी को ट्रस्ट नहीं करता था तो खुद सारे रिवोल्ट को सप्रेस करने एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था लास्ट में ही डाइड डाइड एंड ही सिंध मुल्तान गुजरात बंगाल उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके थे अवध जो है वहां पे भी रिवोल्ट हो रहे थे इसके मरने के बाद में तुगलक जो है वो नेक्स्ट रूलर बनता है फिरोज शाह तुगलक के सामने जो समस्या थी वो ये थी कि चारों तरफ रिबेलियन है नोबल्स जो हैं वो बहुत परेशान हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक की जो एकदम स्ट्रिक्ट मेजर्स थे उनके वजह से उलेमाज जो हैं वो नाराज़ थे क्योंकि फिर मोहम्मद बिन तुगलक उनको एकदम साइडलाइन करके रखते थे वो रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट था और कहता था कि जवाबित जो रॉयल ऑर्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट को चलाया जाएगा कोई शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जाएगा या कुरान के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जाएगा तो रिलीजियस क्लास थियोलॉजिय उससे नाराज़ हैं नोबल्स नाराज थे और जगह जगह पे रिबेलियंस हो रहे थे तो अब फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले डिसीजन लिया कि देखो डेकिन तो हाथ से जा चुका है इसको जाने देते हैं ठीक है डेकिन जो है वो तो हाथ से जा चुका है उसको जाने देते हैं उसने कहा मुझे सबसे पहले नोबल्स का सपोर्ट चाहिए ताकि एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में जहां पे रिबेलियन हो रहा है उसको सप्रेस करके मैं नॉर्थ इंडिया तक तो अपने एम्पायर को रख पाऊं मैं आपको बता दूं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो एम्पायर का एक्सटेंशन है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ज्यादा था बट बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहे थे जिसको उसको सप्रेस करना था तो नोबल से सपोर्ट कैसे मिलेगा इसने कहा कि मैं इकतादारी सिस्टम जो है तादारी सिस्टम जो है उसको क्या कर देता हूं उसको मैं हेरिडिट्री बना देता हूं एक मिनट मैं इसको हेरिडिट्री बना देता हूं वंशानुगत कर देता हूं फिर क्या कहा गया फिर कहा गया इनफैक्ट आर्मी जो है उसके अंदर भी आपका हेरिडिट्री सिस्टम जो है वही काम करेगा अब आर्मी के सोल्जर्स भी अपने बेटे को अपनी जगह पे भेज पाएंगे सो एक तरीके से उसने अपने ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को पैसिफाई करने की कोशिश की फिर इसने थियोलॉजियंस की तरफ जो मुस्लिम उलेमाज हैं इनको शांत करने की कोशिश की इसने कहा कि अब से स्टेट वैसे ही चलेगा जैसा शरीयत कहती है जैसा उलेमास कहेंगे इसने कहा थियोलॉजियंस और उलेमास से कि मैं हिंदू के ऊपर आपका जो जिजिया टैक्स है जिजिया है ना जिजिया या जिजिया जो टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स पे ध्यान से सुनना जिजिया जो टैक्स है वो एक मुस्लिम एम्पायर में नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था क्यों क्योंकि वो कहते थे देखो आप नॉन मुस्लिम हो फिर भी आपको स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले में एज अ लॉयल्टी आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा ताकि आप अपने लैंड को कल्टिवेट कर पाएं आप वहां पे सुरक्षित रह पाएं अदरवाइज कन्वर्ट टू इस्लाम अब क्या जिजिया इसी ने शुरुआत किया था कौन मुझे बताएगा बच्चों इंडिया के अंदर जिजिया या जो नॉन मुस्लिम्स पे एक मुस्लिम, मुस्लिम एम्पायर में टैक्स लगाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी किसने शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक जो फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का रूलर था उसी ने स्टार्ट कर दिया था ठीक है लेकिन अभी तक कैसे लगता था ये ये जो एग्रीकल्चरल टैक्स आता था उसी के एक हिस्से के रूप में आता था एग्रीकल्चरल टैक्स जो किसान पे करते थे उसी का एक हिस्सा होता था जिजिया इस्लाम में बहुत क्लियर है कि वही लैंड को कल्टीवेट कर पाएगा जो इस्लाम को मानता है अब जो नॉन इस्लामिस्ट हैं जैसे हिंदूज हैं भारत के अंदर तो हिंदूज कैसे कल्टीवेट करें तो कहा गया आप एक, एक एक्स्ट्रा टैक्स पे करोगे जिजिया लेकिन इसको ऐसे अलग से नहीं लगाया गया सेपरेट टैक्स के रूप में नहीं आप जो लैंड टैक्स दे रहे हो आप उसी के अंदर जिजिया दोगे क्यों क्योंकि बाकी लोगों को तो लैंड टैक्स नहीं देना था मुस्लिम्स जो हैं जो लैंड कल्टीवेट कर रहे थे उनको तो नहीं देना था टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको लैंड टैक्स देना था अब लैंड टैक्स दे रहे हो तो उसी में कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी दोगे जिजिया होगा आपका वो बट इसने क्या किया थियोलॉजियंस को सेटिस्फाई करने के लिए जिजिया जो है उसे एज सेपरेट टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया सिकंदर लोदी भी यही फॉलो करेगा अकबर फाइनली जाके इसको एबॉलिश करेंगे लेकिन औरंगजेब फिर से री कर देगा समझा अनुज कासिम जो है वो दिल्ली सल्तनत के रूलर नहीं है है ना वो केवल सिंध वाले एरिया में था सो so, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं उनमें से किसने शुरू किया था ठीक है इसलिए बिल्कुल ठीक है सो पे हमने ये चीजें देख ली तो इसने क्या किया इसने अपने नोबल्स को सेटिस्फाई कर दिया इकतादारी सिस्टम को हेरिडिटरी या वंशानुगत बना के आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है उसको हेरिडिटरी बना करके के थियोलॉजियंस को सेटिस्फाई कर दिया और फिर इसने अपना ध्यान लगाया बाकी एरियाज पे इसने बंगाल के अगेंस्ट तीन कैंपेन्स लॉन्च किए तीनों अनसक्सेसफुल रहे तो इसने बंगाल को गिव अप कर दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा इसने उड़ीसा जिसको जज नगर कहते थे ये पुराने नाम नए नाम लिख लीजिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है ठीके? जजनगर उड़ीसा यहाँ पे भी जो रूलर था उसको हराया मंदिरों को लूटा और वापस लौट आया लेकिन डायरेक्टली इसको उसने एनेक्स नहीं किया ठीक है डायरेक्टली उसने उड़ीसा या जजनगर को अपने एरिया में नहीं मिलाया इसके बाद में उसने सिंध मुल्तान गुजरात यहाँ पे जो रिवोल्ट हो रहे थे उसको सप्रेस किया तो अलाउद्दीन सॉरी फिरोज शाह तुगलक जो है वो फॉर द टाइम बींग अपने एंपायर को एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग बनाने में कामयाब रहा सदर इंडिया उसके हाथ से निकल चुका था आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही बहमनी विजयनगर मदुरई ये सब कुछ आ चुका है और ना फिर तुगलक ने इसको वापस अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की बट उसके जो ये स्टेप्स हैं इक्तादारी सिस्टम को हेरिडिटरी बना दो आर्मी को हेरिडिटरी बना दो स्टेट को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलाओ तो इससे यहाँ पे जो हिंदू मेजोरिटी है वो सब तो नाराज थे शॉर्ट टर्म मेजर्स की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये बैकफायर कर देते हैं और फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो तुगलक रूलर्स हुए वो बहुत ही कमजोर पड़ गए बच्चों मैं आपको बता दूं फिरोज शाह तुगलक जो है इसके पास बहुत सारे स्लेव्स थे इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था स्लेव्स को डील करने के लिए दीवान ए बंदगानी दीवान ए बंदगानी ये जो डिपार्टमेंट है ये जो बंदे हैं मतलब जो स्लेव्स हैं, उनके डील करने के लिए था उनसे डील करने के लिए था इसने कारखाना खोले ये जो फैक्ट्रीज होती थी रॉयल इसमें बहुत सारे स्लेव्स को रिक्रूट किया जाता था इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक स्लेव्स का एक ग्रुप हमेशा अपने पास रखता था और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता था क्योंकि उसको लगता था केवल यही उसको प्रति लॉयल रहेंगे दे विल बी ओनली लॉयल टू हिम क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है बट उसके डेथ के बाद में क्या हुआ ये जो स्लेव्स हैं ये किंग मेकर बन गए ये जो फाइट होती थी सिविल वॉर होते थे कि नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा उसमें अपोजिट ग्रुप्स को अपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करने लगे सो पावरफुल इन एरिया इसके अलावा फिरोशाह तुगलक जो है वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है बच्चों जैसे उसने दीवान ए खैरियत शुरू किया था कोई मुझे बताएगा ये डिपार्टमेंट किस चीज से डील करता था दीवान ए खैरियत वेलफेयर डिपार्टमेंट है चैरिटी डिपार्टमेंट है यस है ना सो so, दीवान एक खैरियत जो है ये आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट है आपका चैरिटी डिपार्टमेंट है जहाँ पे जैसे आप लोग बोल रहे हो जो विधवाएं हैं विडोज हैं उनका ध्यान रखना जो पुअर गर्ल्स हैं उनकी डाउरी वगैरह का ध्यान रखना हॉस्पिटल्स वगैरह सेटअप करना ये सब काम करता था दारुल शिफा जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी चेन जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी बच्चों इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो है उसने जो किसान हैं आपकी दुआบุรีजन के उनको सपोर्ट करने के लिए क्या कहा इसने कहा देखो आपको जो टकावी लोन्स दिए गए थे मैं उन सब को माफ कर देता हूं ही सो ही रोट ऑफ ऑल दी टकावी या एग्रीकल्चरल लोन्स की आपको वापस देने की जरूरत नहीं है इसने इरिगेशन टैक्स को शुरू किया दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर है जिसने इरिगेशन टैक्स या सिंचाई कर जो है उसको शुरू किया बट इसकी अच्छी बात यह थी कि इसने सिंचाई के लिए इरिगेशन के लिए बहुत सारी आपकी नहर बनाई थी जैसे यमुना से हिसार के लिए एक नहर थी है ना और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद या फिरोज शाह कोटला नाम की जो सिटी है दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आपके आई पे पड़ती है, है ना आपके आई के पास पड़ता है फिरोज शाह कोटला उसको भी इसी ने एस्टेब्लिश किया था बहुत यस yes, बिल्कुल वासु बहुत सारी नई सिटीज को फाउंड आउट किया जिसमें से फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है है ना यस yes. बिल्कुल गोजरी महल भी इसी ने बनवाया था बिल्कुल अनुजी यस yes. है ना आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा सो दिस इज इट अबाउट फिरोज शाह तुगलक बच्चों फिरोज शाह तुगलक के बाद में आगे बढ़े उससे पहले यहाँ एक चीज देखो थर्टीन नाइनटी एट में तैमूर ए लंग का अटैक होता है इंडिया के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं था बिल्कुल वीक इनकॉम्पिटेंट रूलर्स हैं नोबल्स कम्पलीटली करप्ट हो चुके हैं थियोलॉजियंस जो हैं वो जो कहते थे वही सब कुछ होता था जनता परेशान थी और ऐसे में बाहर से एक अटैक हुआ तैमूरे लंग का 1398, उसने दिल्ली को तीन दिन तक लूटा यहाँ पे लोगों को जला दिया मार दिया ठीक है देर वॉज अ कंप्लीट मैसेज रूलर था बाही और फिर ये लौट गया जब ये लौटा तो इसने क्या किया मुल्तान का जो गवर्नर है खिजर खान जिसने इसको सपोर्ट किया था जब इसने दिल्ली को इन्वेट किया जब तैमूर लंग ने दिल्ली को इन्वेट किया तो मुल्तान के गवर्नर ने उसके सामने सबमिट कर दिया था और उसको हेल्प की थी खिज्र खान यही खजर खान जो है आगे चल के दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है ठीक है इतना क्लियर है यस yes, नसीरुद्दीन महमूद जो है वो रूलर था 1398 में जब अटैक हुआ बच्चों हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार आपको मैं सुपर कोचिंग के बारे में ब्रीफ में बता देती हूँ सुपर कोचिंग हमारा पेज सब्सक्रिप्शन है अगर आप एनरोल करोगे एक साल में हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे यहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बेस्ट टीचर्स हैं ठीक है आपके पास जी कोर्स सी सेट ऑप्शनल एथिक्स एस टेस्ट सीरीज वॉट यू आस्क फॉर वी विल प्रोवाइड मैं भी आपकी क्लासेस लेती हूँ वहाँ पर मेन्स आंसर राइटिंग की भी कॉन्टेंट क्लासेस भी लेती हूँ ठीक है एंड बच्चों आपकी जो फीस है अगर हम उसकी बात करें तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन है बट अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो सोन प्रिया एस ओ एन पी आर आई वाई ए तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स हो जाएगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन का पूरे साल का या आप डेढ़ बजे मेरे साथ टेक्स्ट बुक की ऐप पे मास्टर क्लास के लिए जुड़ सकते हो अगर आप वहाँ टॉप करते हो तो आपको फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ मिलता है टॉपिक सेम यही रहेगा जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ठीक है रोज एक बच्चे को मिलता होता है और ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती हैं इलेवन फोर्टी फाइव एम यूट्यूब पे एंड डेढ़ बजे आपकी टेक्स्ट बुक की ऐप पे मास्टर क्लास तो चैनल सब्सक्राइब कर लो है ना बाकी फैकल्टीज की भी क्लासेस होती है प्राची मैम है किंजल सर हैं आकाश सर अनिरुद्ध सर राहुल सर है ना सब लोग आपकी क्लासेस ले रहे हैं बच्चों फटाफट से रैपअप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना तो फटाफट से देख लीजिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हम तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे देखे थे कि पीक पे पहुंच गया और डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया है अगर आप यहाँ पे सैयद डायनेस्टी को देखो तो खिजर खान के बारे में मैंने आपको बताया है ना कैसे ये आपके मुल्तान का पंजाब में जो एरिया है मुल्तान वाला वहां पे ये गवर्नर हुआ करता था फिरोज शाह हैंड्स ज्वाइन किया था और फिर इसने तैमूर के अंडर में रह के ही रूल करना शुरू किया और सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी यानी सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं वो इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे वो आपके जो मंगोल्स हैं उनके सबॉर्डिनेट की तरह रूल कर रहे थे ठीक है अच्छा जरूर है ना मुबारक शाह देखो नेक्स्ट रूलर बनता है खिजरे खान का बेटा है और ये भी तैमूर के अंडर ही रूल कर रहे हैं इसका मर्डर हो जाता है और फिर नेक्स्ट रूलर बनता है मोहम्मद शाह तो आपको याद कैसे करना है खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम ठीक है ऐसे याद करना है खिज़्र मुबारक मोहम्मद आलम मोहम्मद शाह के टाइम की बात करते हैं ये क्या करता है मालवा के जो रूलर है उसको डिफीट करने के लिए बहलोल लोदी जो कि एक बार फिर से गवर्नर ऑफ मुल्तान है इसको बुलाता है बच्चों इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बहलोल लोदी बहुत नॉर्मल इंसान हुआ करता था किसी फकीर ने जो हम डरिशे बोलते हैं है ना किसी फकीर ने इसको बचपन में बोला था कि तू ना आगे चल के राजा बनेगा सो so, बहलोल खान लोदी जो है वो गवर्नर बन चुका है, है, ना? The governor. शाह इसको बुलाता है कि यार मालवा में ना प्रॉब्लम हो रही है आ जाओ हेल्प करो वो उसको हेल्प करता है एंड फिर मोहम्मद शाह उसको टाइटल देता है बहलोल खान को खान ए खानन इसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स कि तुम बाकी गवर्नर से ऊंचे हो मोहम्मद शाह जो है इसकी भी डेथ हो जाती है और नेक्स्ट रूलर बनता है आलम शाह आलम शाह बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट था इसी का जो एक मिनिस्टर है हामिद खान ये यहाँ पे दिल्ली के अंदर रूल कर रहा था और आलम शाह भाई साहब जो हैं वो बडाऊ यूपी के अंदर जहाँ पे है वहां रिटायर कर चुके थे हमीद खान ने बहलोल खान लोदी को कहा कि आइए और आपका दिल्ली का सिंहासन वेट कर रहे हैं आलम शाह को इंटरेस्ट नहीं है रूल करने में तो आप देख रहे हो खिजर खान के बाद में है ना मुबारक शाह आया कोई इम्पोर्टेंट उसके टाइम पे नहीं हुआ है मोहम्मद शाह के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि बहलोल खान लोधी पिक्चर में आता है जो कि आगे चल के लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बनेगा और आलम शाह के टाइम पे फाइनली दौलत खान लोदी जो हैं, वो लोदी डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं दिल्ली सल्तनत में जो कि दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है बच्चों, लोदीज के टाइम पे कहा जाता है कहने को तो इतना एरिया था बट इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट रूलर था उसमें दिल्ली से कहा जाता है जो दिल्ली सराय रोहिला है इतना छोटा सा एरिया उसके कंट्रोल में रह गया था ठीक है तो अगर हम इसकी बात करें लोधी डायनेस्टी की यहाँ पे टाइम पीरियड गलत लिखा है बच्चों ये ठीक है अगर हम लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं तो कहने को तो इतना बड़ा है लेकिन असल में इनका जो रियल पावर है वो दिल्ली में इतने छोटे से एरिया में रह गया था आपके दिल्ली कैंटोनमेंट तक मान लो जायजा ज्यादा इतना एरिया बस बहुत ही छोटा एरिया बहलोल खान लोधी बहलोल खान लोधी क्या करता है सबसे पहले जौनपुर के जो रूलर्स हैं उनको सप्रेस करके लोधी डायनेस्टी की पहुंच वहां तक पहुंचाता है ईस्टर्न यूपी में जौनपुर तक इसके बाद सिकंदर लोधी नेक्स्ट रूलर बनता है जो लोधी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिकंदराबाद या आगरा जो है उस सिटी की फाउंडेशन रखता है कहने को कि अगर कल को दिल्ली कैप्चर कर ली जाए तो आगरा जो है वो सेकेंड कैपिटल के रूप में काम करेगी बच्चों इसके अलावा इसने क्या किया आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो बिहार है मालवा है राजस्थान के जो राजपूत रूलर्स हैं है ना राजपूत रूलर्स जो हैं इनको भी सप्रेस किया बिहार तक अपना रूल फैलाया सो so, हम देख रहे हैं बहलोल खान लोधी के टाइम पे ईस्टर्न यूपी तक पहुंचे हैं सिकंदर लोधी के टाइम पे बिहार भी इनके अंडर में आ गया है मालवा इनके अंडर में आ गया है राजस्थान के राजपूत रूलर्स को उसने डिफीट किया था प्रॉब्लम ये थी सिकंदर लोधी वाज़ अ बाई यानी जो आदमी रिलीजियस बेसिस पे अपने सिटीजन को या सब्जेक्ट्स को ट्रीट करता है ये भी जिजिया जो है उसको सेपरेटली कलेक्ट करता था सिकंदर लोधी के पीरियड में गज ए सिकंदरी लैंड मेजरमेंट का जो एक यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गज ए सिकंदरी कहा जाता है सिकंदर लोधी ने जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो आगे चल के अकबर जो है वो बहुत सारे अपनाते हैं अकबर जो है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स सिकंदर लोदी के अपने यहाँ पे अपनाते हैं ठीक है आप पे काम करना अपनी जो प्लेलिस्ट है ना इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सो मिडीवियल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम होगी वो पूरा डिटेल में है ठीक है मैंने एक एक डायनेस्टीज को पढ़ाया है दिस इज जस्ट लाइक अ रिविजन क्लास बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हाँ प्ले लिस्ट में होगा ठीक है प्ले लिस्ट में है सो so, हमने ये सब देखा यहाँ पे एंड बच्चों इसके बाद इब्राहिम लोदी जो है वो रूलर बनता है इज द लास्ट रूलर ऑफ डेली सल्तनत इब्राहिम लोदी का टाका भिटता है आपके राणा सांगा से मुझे कोई बताएगा राणा सांगा के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा बैटल हुआ था एनी वन ऑफ यू इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में कौन सा बैटल हुआ था इतना पिटाई लगाऊंगी ना एंजिला बैटल ऑफ तरायन की बच्चों मैंने बैटल सीरीज में बैटल ऑफ तरायन की बैटल ऑफ चंदावर की है ना पूरी कहानियां बनाई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की भी बहुत जल्दी आपका चौसा चंदेरी घाघरा ये सब भी आने वाले हैं। बैटल ऑफ खटोली याद है बैटल ऑफ खटोली आपके हाड़ोती रीजन में पड़ता है बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान के बैटल ऑफ खटोली है ना सो so, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है राणा सांगा जो है वो मालवा को कैप्चर करना चाहते थे और साथ ही साथ में दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे आगरा तक पहुंचना चाहते थे इब्राहिम लोधी को राणा सांगा जो मेवाड़ के रूलर हैं सिसोदिया डायनेस्टी वाले उनसे थ्रेट साफ नजर आ रही थी सो so, इब्राहिम लोधी क्या करता है वो राणा सांगा के साथ में एक बैटल लड़ता है बैटल ऑफ खटोली राणा सांगा की आर्मी इब्राहिम लोधी की आर्मी को हरा देती है बट राणा सांगा का इसमें एक हाथ कट जाता है और उनके पैर पे एक एरो लगती है जिससे वो हमेशा लड़खड़ा के चलने लगते हैं ठीक है जस्ट लाइक एन एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम ठीक है बैटल ऑफ खटोलीफ्टीन सेवनटीन अब इब्राहिम लोधी को समझ में आना लगा था कि भाई राणा सांगा बहुत बड़ी थ्रेट है इब्राहिम लोधी ना बदतमीज भी था ठीक है वो अपने नोबल्स जो है उनको कोर्ट में बहुत ज्यादा बेइज्जत करता था बिल्कुल भी रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करता था सो so, इन्हीं में से एक जो नोबल है दौलत खान लोदी जो कि आपके पंजाब का गवर्नर था उसने बाबर को एक मैसेज भेजा काबुल में कि भैया आइए ये जो रूलर है इब्राहिम लोधी इसको अपने नोबल्स भी पसंद नहीं करते हैं कहा जाता है कि राणा सांगा की एक एम्बेसी भी इसी टाइम पे बाबर के पास पहुंची थी राणा सांगा की एक एम्बेसी भी इसी टाइम पे बाबर के, पास बाबर के पास पहुंची थी बाबर तो इसका वेट ही कर रहा था वो क्रॉस करके पहुंचता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है तो इसी चैनल पे आपको बैटल सीरीज के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पूरी डिटेल्ड कहानी मिल जाएगी आप सुन सकते हो उसको बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है बाबर आता है इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल साम्राज्य की फाउंडेशन रखी जाती है फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज लेड डाउन इन इंडिया ठीक है ओके okay, दिव्यांशु आप वीडियोज़ को देख सकते हैं ठीक है इट विल हेल्प यू चलो फटाफट से आप क्वेश्चन करना शुरू करो जितने होते हैं ठीक है नहीं होंगे तो कल वाले में भी ऐड कर देंगे ठीक है चलो और बच्चों एक काम कर सकते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो हैं जो यहाँ नहीं हो पाएंगे है ना टेलीग्राम पे या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर दूँगी आप उसके आंसर्स को लिख सकते हैं एंड हम नेक्स्ट डे क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलो गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी बहुत ईजी है अब इसमें आपको थर्टी सेकेंड्स भी नहीं लगने चाहिए बताओ तुगलक डायनेस्टी राइट प्रज्ञा ईशा सुंदर वेरी गुड विजय जोधा जो, जो, जो लोग सी लिख रहे हैं ना पिटाई होगी बच्चों खिजरे खान जो है वो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर है मैंने आपको बोला भी कैसे याद रखना है खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम ऐसे याद रख सकते हो खिज्र मुबारक शाह मोहम्मद शाह आलम शाह खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर है तुगलक उसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था गाजी बेसिकली मतलब होता है फाइटर है ना जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है बहलोल लोदी लोदी डायनेस्टी के फाउंडर है चलिए

ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर मैंने आपको अभी बताया देखो खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम सैयद डायनेस्टी को याद करने का तरीका खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम सी बी डी ए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियटिव वॉज और वर टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक टू प्रमोट एग्रीकल्चर बताइए बच्चों इनमें से कौन से इनिशियेटिव मोहम्मद बिन तुगलक ने लिए थे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या उसने कृषि उपकरों का जो उन्मूलन है वो मतलब कृषि जो सेस है उसको खत्म कर दिया था या रिड्यूस कर दिया था दूसरा इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एग्रीकल्चरल लोन्स नेम सोनधर क्या उसने एग्री सोनधार नाम से एग्रीकल्चरल लोन्स दिए थे तीसरा क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू एक्सटेंड द एरिया अंडर कल्टीवेशन हमने अभी डिस्कस किए हैं बताओ सो so, आप में से बहुत सारे लोग सी आंसर कर रहे हैं जुबेर अरुण ईशा श्रीनिधि एंजिला मोहम्मद अमीनुल ईशा यस गाइज बच्चों बिल्कुल सही है, है ना सेकेंड और थर्ड जो है ये बिल्कुल सही है मैंने आपको बताया था उसने टकावी लोन्स एग्रीकल्चरल लोन्स, लोन्स दिए थे फार्मर्स को एंड यस yes, उसने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दीवान ए आमिर ए को ही जो है उसको भी शुरू किया था उसने कोई एग्रेर से जो है उसको कम नहीं किया या टकावी लोन्स जो हैं फाइनली इनको राइट ऑफ किया था कि भाई जो लोन लिया है वो तो पानी में चला गया कोई बात नहीं है फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे इसने कोई सेस वगैरह कम नहीं किया ठीक है तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट हमने पूरी कहानी देख ली है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट

वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर दो क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है सच तो मेरा भी स्क्रीन ऑन है मेरा तो क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रिजोल्यूशन है सो वी आर गेटिंग द आंसर्स मुझे अभी तक कोई भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है श्रीनिधि वेरी गुड सो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर फ्रॉम जुबेर अमीनुल श्रीनिधि गाइज यहां देखो मैंने आपको बताया था अभी कहाँ गया तैमूर ए लंग जो है उसका जो अटैक हुआ वो 1398 में हुआ और मैंने आपको ये भी कहा उस टाइम पे जो रूलर था वो था नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट एंड इनफिशेंट निहायती निकम्मा आपको पता होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तो 1351 में इसकी तो डेथ भी हो गई थी सेकेंड डेफिनेटली इज रॉन्ग अगर सेकेंड रॉन्ग है तो आप ये दो काट देते ए और बी को अब आपके पास में सी बचा वन एंड थ्री और आपके पास में फोर्थ बचा थ्री ओनली अब आपको फर्स्ट और थर्ड में देखना है इल्तुतमिश के टाइम पे आप जानते हो चंगेज खान जो है वो ख्वारिजमी एम्पायर के जो रूलर हैं जलालुद्दीन मंगबरानी जलालुद्दीन मंगबरानी उसका पीछे करते हुए इंडस को क्रॉस कर लिया था कौन चंगेज खान बट अल्तुत्मिश्र ने क्या कहा मंगल बरानी को कि मैं आपको शेल्टर नहीं दे सकता अभी हमारा एम्पायर बहुत इन्फेंट है तो प्लीज आप वापस चले जाओ और इस इस प्रकार से चंगेज खान के अटैक से अल्तुतमिश ने इंडिया को बचा लिया बच्चों क्या हुआ बहुत जल्दी 1227 आते आते चंगेज खान की डेथ हो गई और इसके बेटे जो हैं वो एक सिविल वॉर में फंस गए लड़ने लगे कि नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा क्योंकि मंगोल्स की कोई प्रॉपर सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी और जब ये सिविल वॉर छिड़ने लगा और मंगोल एम्पायर कमजोर होने लगा तो ने अपने बाकी काम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया ये बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट तो थर्ड तो सही है वो वैसे ही पता चल गया था कि थर्ड दोनों में है तो सही है फर्स्ट का देखते हैं तरमाश्रीन जो मंगोल रूलर है चगतगाई मंगोल इसने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पंजाब वाले एरिया तक ये पहुंच गया था बड़ी मुश्किल से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको सिल्वर और गोल्ड दे करके कहा था प्लीज दिल्ली को अटैक मत करो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की जो इमेज थी वो अपनी सब्जेक्ट्स के सामने और ज्यादा गिर गई ठीक है आज का आपका एक होमवर्क है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1299 में मंगोल्स का अटैक हुआ था पूरे दिल्ली तक मंगोल्स पहुंचे थे आपको मुझे आज के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि वो मंगोल रूलर कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1299 में दिल्ली तक अपने लोगों को ले आया था ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बच्चों अगर आप रेगुलरली अच्छे से रिस्पॉन्स दोगे तो मैं ये जो पी है ये अपना टेलीग्राम चैनल जो है हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम उस पर आपके साथ में शेयर कर दूंगी क्लास में क्वेश्चंस को करने के बाद आप एक बार इस पीडीएफ को देखा करिए और इसमें जो सल्यूशन दिया हुआ है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो फिर ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो तैमोरे लंग मंगोल था ठीक है एंजिला ये भी मंगोल था जिसका 1398 में अटैक हुआ मैंने आपको कहा था ना बहरम शाह 1240 से ही बहुत सारे मंगोल्स अटैक होने लगे थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सिक्स अटैक्स हुए है ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ 1398 में फिर से हुआ सो वी हैव गॉट द आंसर इब्राहिम लोदी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी ये तो गलत है बाबर फर्स्ट पानीपत बैटल विद सिकंदर लोधी गलत है मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिस्ड आफ्टर लोधी डायनेस्टी सी इज करेक्ट क्या पूछा है सही कथन को ना करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है सो ओनली सी ठीक है ना ये तो इजी है डी आंसर है है ना इस क्वेश्चन को तो कोई सर, वो भी नहीं चाहिए बहुत ही था ये तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद रेफरेंस टू द तुगलक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू ऑफ द फार्मर्स ऑफ़ द गंगा यमुना द्वाब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या जो गंगा यमुना द्वाब के किसान हैं उनके लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था दूसरा फिरोज शाह तुगलक स्टार्टेड द स्कीम ऑफ टकावी लोन्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर क्या टकावी लोन्स फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किए थे तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक न्यू डिपार्टमेंट कॉल दीवाने कोही फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दीवाने को ही क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था फोर्थ फिरोज शाह तुगलक वाज़ द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरीगेशन टैक्स क्या फिरोज शाह तुगलक पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरीगेशन टैक्स लगाया आपको बताना इसमें से कौन से करेक्ट हैं इजी है एलिमिनेशन सही हो जाएगा आराम से सो वी हैव ऑलरेडी गॉट द करेक्ट आंसर फ्रॉम मेनी ऑफ यू ममता ईशा आशा अरुण वासु अभिषेक भूषण अ वेरी गुड आफ्टरनून अंकिता क्लास इलेवन फोर्टी फाइव शुरू हो जाती है अब मैम जाने वाली है हाँ बच्चों देखो मैंने आपको कहा था टकावी लोन्स जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किए थे तो आपका सेकेंड जो है वो तो गलत है आप काट दो ऑप्शन दो को अब आपके पास ऑप्शन वन है एंड ऑप्शन फोर है दोनों के अंदर वन एंड फोर है वन एंड फोर है यानी अब आपको केवल थर्ड स्टेटमेंट को देखना है थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है हम सबको पता है क्यों क्योंकि येस yes, उसने दीवाने आमिर को ही एग्रीकल्चर के लिए शुरू किया था राइट सो डिपार्टमेंट किस पर्पज से और किसने शुरू किया तीनों चीजों पर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है तीसरा सही है आपका आंसर हुआ वन थ्री फोर एंड मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने लैंड रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया था कैसे भले ही फिफ्टी परसेंट रखा उस पर बहुत सारे सेस एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए थे ये क्वेश्चन कीजिए ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द गवर्नर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी घियासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इजी है यार ये तो मैम ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास चल रही है नीतीश ये इन जनरल आपको मिटीरियल कंप्लीट करवा रही हूँ मैं इससे पहले मैंने आपको एंशंट का रिविजन करवा दिया है अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्ले में सारी क्लासेस हैं ठीक है एनसीआरटी के अलावा भी कॉन्टेंट है इसमें अच्छा ये रिजोल्यूशन uh, बहुत पुअर हो गया है ना यस yes. एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइस जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ ये सच्ची में रिजोल्यूशन प्रॉब्लम हो रहा है पंजाब है ना मैंने आपको कहा था दीपलपुर दीपलपुर का देपलपूर जो कि पंजाब वाले एरिया में है वहां का गवर्नर था तुगलक या गाजी मलिक जिसने आगे चल के आपकी तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी ठीक है आप यहां पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन देखिए एक बार consider the following statement. Muhammad bin tughlaq issued a new gold coin which was called dinar by ibn batuta. dusra. Muhammad bin tughlaq wanted to issue token currency in gold coins to promote trade with west asian and north african countries. me, which of the following is correct in respect of the above statements? thank you. बिल्कुल अनुजी यस सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट सी सी शुड बी योर आंसर अच्छा ठीक है वीडियो क्वालिटी इज प्रॉपर बच्चों यहां देखो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था दिनार इबन बतूता जो है वो हमें बताते हैं ये मैं आपके साथ में पी शेयर करूंगी इसमें डिटेल में पढ़ना वो है ना अलग अलग टाइप के कॉइन्स इशू करता होता था कभी अपने फादर के नाम से गोल्ड कॉइन इशू किया है कभी खुद के नाम से गोल्ड कॉइन इशू किया है बट वो टोकन करेंसी के रूप में तो गोल्ड को यूज नहीं करेगा है ना कोई भी टोकन करेंसी के लिए तो गोल्ड को यूज नहीं करेगा ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग फर्स्ट इज करेक्ट नहीं पाटिल निखिल अभी तो सही है टोकन करेंसी किस चीज में की थी ब्रॉन्ज बिरांज जिसको कहते थे गोल्ड नहीं हम्म मैं आपके साथ में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी डोंट वरी आप इसको देख सकते हैं एक बार बच्चों यहाँ पे कुछ टैक्सेस दिए गए हैं ठीक है आपको इनको बताना है कि करेक्ट पेयर्स कौन कौन से हैं करेक्ट पेयर्स कौन कौन से हैं खराज जकत, आपका जजिया एंड खम्स जिसको खुम्स भी बोलते हैं सॉरी, भी बोलते हैं। मैम जी अभी बन बप्ता तो बोलते हो मेरा हाँ इवन बतूता बगल में जूता वो बोलते ना बिकॉज उसने इतना ट्रैवल किया था ना बहुत ज़्यादा दुनिया को ट्रैवल किया हुआ था इसलिए बच्चा इसका आंसर कीजिए देखो जजिया जो है वो आपको पता है ये टैक्स नॉन मुस्लिम्स पे लगता था और ये करेक्ट है लॉ ऑफ खुम्स मैंने आपको बताया था इस्लाम में लिखा हुआ है कि अगर किसी रूलर को कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है जैसे कि वॉर बूटी है ना युद्ध में आप कुछ एक्स्ट्रा लूट के लाए हो तो आपको उसका ट्वेंटी जो है वो अपने सोल्जर्स के साथ में शेयर कर लेना है अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने गुजरात के कैंपेन के बाद में जो मंगोल्स थे उनके साथ में ये ट्वेंटी परसेंट बूटी जो है उसको शेयर करने से मना कर दिया था इसीलिए उन्होंने रिबेलियन किया था और राजा हमीर देव जो है रणथम वाले वहां पे भाग के शरण ले ली थी और इसीलिए आपके रणथम वाला बैटल हुआ थर्टीन जीरो वन में अलाउद्दीन खिलजी के साथ सो लॉ ऑफ खुम्स को ऐसे याद रखिएगा ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा जो आपकी इनकम है उसका ट्वेंटी परसेंट आपको अपने लोगों के साथ शेयर करना होता है यहाँ पे सोल्जर्स के साथ में तो ये सही है जकत ऊपर लगता है और उनकी प्रॉपर्टी पे लगता है ठीक है उनकी प्रॉपर्टी पे लगता है टू पॉइंट फाइव परसेंट टैक्स खराज जो है ये आपका लैंड टैक्स है ठीक है जो हिंदू पे लगता था सो so, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे इंटरचेंज है तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो सही है नहीं थ्री और फोर सही है आपका आंसर हुआ बी यस yes, खराज भूमि करे जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता है टैक्स अच्छा अगर पसंद आता है लेक्चर तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो हम्म आज यहां पे खत्म करते हैं ठीक है कल जो बाकी क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं वैसे सो विल ब्रिंग इसके अलावा बच्चों वन थर्टी वाली क्लास में आ जाओ उसमें भी हम इसी टॉपिक के क्लासेस के जो क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन होंगे आधे घंटे में हम सॉल्व करेंगे वन थर्टी टू टू पी एम ठीक है चलो थैंक यू सो मच ओके थैंक यू सो मच एवरी वन ठीक है चलिए